गाइस न्यू OB45 अपडेट में हमारे फ्री फायर में एक ऐसा जादूगर कैरेक्टर आने वाला है जिस कैरेक्टर से लिटरली आप एनिमीज को एक हैकर की तरह बिल्कुल दीवार के आर पार देख सकते हो और उन्हें मार भी सकते हो। और साथ ही हमारा ओल्ड पिक CS रैंक में ऐड होने वाला है, यानी CS रैंक में आने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ओल्ड पिक यहाँ पे है ही नहीं गेम में, तो ये CS रैंक में आएगा कैसे? तो इसी सवाल का जवाब और फ्री फायर की OB45 अपडेट में आने वाले 10 सबसे यूनिक चेंजेस और अपडेट्स के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाले, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपडेट नंबर 10 गाइस, OB45 अपडेट के बाद हमारे सेटिंग सेक्शन में एक नया ऑप्शन ऐड होने वाला है अपलोड डिबग करके। अभी के टाइम पे ये जो ऑप्शन है ये तो काम नहीं कर रहा। मैं ट्राई किया इसे बहुत बार अपलोड करके ओपन करने का, बट ये ओपन नहीं हो रहा है। बट गाइस जहां तक मुझे आइडिया है कि डिबग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी एरर को सही करना, फिक्स करना, तो ये एक डिबग का ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि हम लोग अगर गेम में कोई पिंग इशू देखने को मिल रहा है या हो सकता है कोई और इशू देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग उसका कंप्लेन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अपलोड में यहाँ पे जो कंप्लेन है शायद स्क्रीनशॉट हो जाए, या शायद यहाँ पे हम लोग कंप्लेन करके यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे अपलोड करना पड़े। तो शायद ये जो अपलोड डिबग है ये ऐसा ही कुछ यहाँ पे वर्क करने वाला है, जो हमारा एरर जो प्रॉब्लम आते हैं गेम में उसको फिक्स करने के लिए। बाकी जब ये गेम में आएगा तभी पता चला है कि आखिर ये एग्जैक्ट वर्क कैसे करता है। अपडेट नंबर 9 गाइस, इस अपडेट के बाद हम लोग को यहाँ पे मैप में यहाँ पे कुछ यहाँ पे ग्रीन करके यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जब आप यहाँ पे इस डॉट के पास में जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे कैरेक्टर का एक होलोग्राम देखने को मिलेगा, या बोल सकते हो कि आपको एक कैरेक्टर का मतलब एक तरह का पुतला देखने को मिल जाएगा। और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। और एग्जैक्ट इसका काम ये होने वाला है कि जब आप इसके पास जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपको यूज करने का ऑप्शन आएगा, आपको यूज पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लेवल 2 का वेस्ट बैग और कुछ कुछ गन्स आपको इसके मदद से यहाँ पे लूट मिलेगा। ये आपको मैप में यहाँ पे ग्रीन डॉट डॉट करके यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे इसके पास जाओगे यूज करके आप यहाँ पे थोड़ा मोड़ा यहाँ पे लूट ले सकते हो। तो ये मुझे काफी बढ़िया लगा। अपडेट के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपके लूट को बहुत ज्यादा बेटर बनाने वाली है और आगे वीडियो से बताऊंगा, बट ये पहला था मैंने बता दिया। अपडेट नंबर 8 गाइस, सोशल आइलैंड और ट्रेनिंग ग्राउंड, इसका सबसे ज्यादा डिमांड था कि भाई इसको चेंज करो, बहुत टाइम हो गया, साल दो साल हो गए लेकिन इसको चेंज नहीं किया गया है। तो ट्रेनिंग ग्राउंड को तो पता नहीं, बट गाइस जो हमारा सोशल आइलैंड है तो इस सोशल आइलैंड को पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोशल आइलैंड को जो घर है, जो झूला वूला है, उन सभी चीजों का जो लोकेशन है उसको इधर उधर कर दिया, कुछ नई नई चीजें यहाँ पे ऐड हुई है। पहले के टाइम में यहाँ पे कोई पेड़ वेड़ नहीं था, बट यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे नारियल का पेड़ आपको सोशल आइलैंड में देखने को मिल जाएगा बीच में। यहाँ पे काफी बढ़िया लग रहा है सोशल आइलैंड इसको चेंज कर दिया तो। और साथ ही यहाँ पे आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई देने को मिलता है। अब जो सभी अपने स्टेडियम में सेट करके रखोगे, चाहे आप ओल्ड फ्री फायर वाला BGM यूज करो या किल चोरी वाला या 7th एनिवर्सरी का जो स्पेशल सॉन्ग आने वाला है वो आप यहाँ पे सेट करोगे सीडी में, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली सोशल आइलैंड में वो सॉन्ग आपको सुनाई देगा। अपडेट नंबर 7 गाइस, ये जो अपडेट है ये न्यू प्लेयर्स के लिए होने वाला, जो बिल्कुल नए नए फ्री फायर खेलना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पे 1 लेवल की आईडी बनाएंगे, तो उन लोगों के लिए एक सोल्जर ट्रायल नाम का एक मिशन आएगा। इस मिशन में कुछ ऐसा होगा कि आपको जहाँ पे लेवल 1 से लेकर लेवल 15 तक यहाँ पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे लेवल 2 पे थॉमसन की स्किन, लेवल 3 पे आलोक, लेवल 4 पे केली एंड बैग एंड बहुत सारी चीजें, यहाँ पे लूट बॉक्स, कैरेक्टर्स, टी-शर्ट्स एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको लेवल 15 तक आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे न्यू प्लेयर्स के लिए, जो यहाँ पे 15 लेवल यहाँ पे रीच करेंगे तो उनको लेवल अवेलेबल यहाँ पे कुछ इस तरीके का, यहाँ पे सोल्जर ट्रायल नाम का एक मिशन है, उससे यहाँ पे उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अपडेट नंबर 6 तो गाइस, ये जो अपडेट है ये आया हमारे एक्सपेंशन पैक डाउनलोड सेंटर में, जो हमारा ऊपर डाउनलोड वाला सेक्शन होता है जहां से हम जाकर मैप सभी चीजों को डाउनलोड करते हैं। अब जैसे उस पर क्लिक करोगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे और ये जो रिकमेंडेड लिखा हुआ है उसके बगल में आपको यहाँ पे एक स्क्रू टाइप का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑटो डाउनलोड रिकमेंडेड सोर्सेस, इसका मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ पे गेम डिलीट कर देते हो और फिर जब यहाँ पे आप गेम डाउनलोड करोगे तो आप जो जो चीजें, जो जो बंडल्स यहाँ पे पहनते हो वो ऑटो डाउनलोड हो जाएगा। पूरा आपका एक्सपेंशन पैक जो फालतू चीजें वो डाउनलोड नहीं होंगी, जो रिसोर्सेज, जो पैक्स आप यूज करते हो वही चीजें यहाँ पे ऑटो डाउनलोड हो जाएगी। इसके नीचे एक और ऑप्शन है ऑटो क्लियर का। इस ऑप्शन का फायदा ये है कि जो भी बंडल, गन स्किन या जो भी चीज, अगर आप ओवर अ मंथ यानी एक मंथ से ज्यादा अगर कोई भी चीज, आप कोई भी बंडल या कोई भी कैरेक्टर या कोई भी मैप अगर आपका डाउनलोड है और अगर आप उसे यूज नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मुझे काफी बढ़िया लगा, फालतू है हमारा स्टोरेज भरा रहता है इससे, तो ये जो है अपने आप ऑटो क्लियर कर देगा अगर आप कोई भी चीज को यहाँ पे एक महीने ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं करते हो तो। एंड इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा रिसोर्स रिपेयर करके। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी यहाँ पे बंडल डाउनलोड करते हैं, कोई भी मैप डाउनलोड करते हैं तो कुछ ग्लिच की वजह से यहाँ पे वो डाउनलोड नहीं होता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे रिसोर्स रिपेयर में जो रिपेयर लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना,
करना है, ये थोड़ा सा एक दो मिनट का टाइम लेगा एंड वो जो आपका बग ग्लिच हो रहा है डाउनलोड नहीं होने का उसे ये फिक्स कर देगा एंड फिर आप यहाँ पे आप जाके जो भी चीज आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी उसे डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये वाला जो ऑप्शन आया है मुझे काफी बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अपडेट नंबर 5, तो गाइस ये जो अपडेट है ये आया हमारे कस्टम एचयूडी में। आप जैसे यहाँ पे कस्टम एचयूडी में जाओगे एंड जो आप लूट करते हो, जो आपका लूट का सेक्शन होता है जहाँ पे आप गोली वोली सब चीजें उठाते हो उस पे आप क्लिक करोगे तो एक लूट टाइप का यहाँ पे बैग का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप का, जिसमें दो सेक्शन होंगे। बट एक्जैक्टली ये वर्क कैसे कर रहा है ये मुझे पता नहीं चला, जब पता चलेगा तो बता दूंगा। बाकी हाँ ये कस्टम एचयूडी में एक चेंज आया जो आपको बताना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। अपडेट नंबर 4, तो गाइस ये जो अपडेट है ये सीएस रैंक यानी क्लैश स्क्वाड रैंक से रिलेटेड अपडेट के बाद आप जब भी सीएस रैंक खेलोगे तो आपका रैंडमली यहाँ पे जो ओल्ड नॉस्टैल्जिया पीक है उसका एक राउंड आ जाएगा। मतलब फर्स्ट राउंड खेलोगे, सेकंड राउंड खेलोगे, थर्ड राउंड खेलोगे वो नॉर्मल रहेगा, बट जो फोर्थ राउंड है उसमें रैंडमली किसी भी मैच में आपका जो हमारा पीक है, जो नॉस्टैल्जिया पीक है वो आ जाएगा एंड उसमें आपको यहाँ पे फाइट करना है, क्लैश स्क्वाड खेलना है। तो ये काफी बढ़िया चीज है। वैसे भी आपको पता ही है कि जो ओल्ड पीक है हमारा वो कमबैक कर चुका है, के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बाकी यहाँ जो हमारा ओल्ड पीक है वो बैक आ चुका है और वो सीएस रैंक में भी आ चुका है जो फोर्थ राउंड में आएगा, जहाँ आप खेल सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो। अपडेट नंबर 3, तो गाइस ये जो अपडेट है ये हमारे फ्रेंड लिस्ट ऑप्शन से रिलेटेड। अपडेट के बाद जब भी आपको कोई बंदा है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा और जब यहाँ पे आप जाकर चेक करोगे एप्लीकेशन में कि आपको किस बंदे ने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा है, तो आपको यहाँ पे उस बंदे की आईडी के बगल में आपको यहाँ पे एक पेपर टाइप का बना हुआ आइकन देखने को मिलेगा और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप उस बंदे को यहाँ पे परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हो। जी हाँ गाइस, उस बंदे को आप परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पे वो जो बंदा है वो आपकी आईडी को कभी देख भी नहीं पाएगा और जब यहाँ पे सर्च करेगा तो वो भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। ये एक ऑप्शन आने वाला है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लैक लिस्ट का। ब्लैक लिस्ट आप जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने यहाँ पे किस बंदे को यहाँ पे ब्लॉक किया है, आप यहाँ पे अनब्लॉक भी कर सकते हो। तो ये एक अनब्लॉक ब्लॉक का यहाँ पे जो फीचर है वो यहाँ पे लाया गया है गेम में। बाकी यहाँ पे इसके नीचे एक और चैट का भी ऑप्शन है, अब ये कैसे वर्क करेगा ये तो मुझे नहीं पता। अपडेट नंबर 2, तो गाइस ये जो अपडेट है ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी कमाल का अपडेट है। OB45 अपडेट के बाद हमारे गेम के व्हीकल्स यानी गाड़ियां जो होने वाली है वो ऑटो पायलट मोड में चलने वाली है, यानी गाड़ियां जो है वो अपने आप चलने वाली है। ऐसा आप लोगों को लग रहा है बट ऑटो पायलट का मतलब यहाँ पे गरीना वाले ने थोड़ा सा यहाँ पे अलग समझा है। रियल लाइफ में ऑटो पायलट का मतलब होता है जो गाड़ी है वो अपने आप डायरेक्शन बदलेगी, अपने आप चलेगी। बट गेम में जो गाड़ियों में ऑटो पायलट मोड आया है, आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो गाड़ी है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे एक सीधे डायरेक्शन पे चलती जाएगी। ऑटो पायलट का मतलब है गेम में कि जो गाड़ी आप स्टार्ट करोगे वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे बिल्कुल सीधे डायरेक्शन पे चलती जाएगी। एंड हाँ, आप गाड़ी को लेफ्ट राइट कर सकते हो, बट हाँ ऑटो पायलट मोड का यही फायदा है कि गाड़ी को आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप अपने पीक स्पीड में चलती जाएगी, बस आपको डायरेक्शन को यहाँ पे लेफ्ट राइट करना है। तो थोड़ा सा ठीक है यार, चलेगा, कैसा लगा आपको कमेंट में ये भी बता देना। अपडेट नंबर 1, तो गाइस इस अपडेट का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और अपडेट है हमारे गेम में आने वाले एक न्यू मिस्ट्री कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम अभी एडवांस सर्वर में नहीं रिवील हुआ है, इसका नाम अभी टेस्ट बॉय है। इसकी एबिलिटी जो है वो बहुत ही यूनिक है और बिल्कुल एक हैकर टाइप की एबिलिटी है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि आप जैसे ही इसकी एबिलिटी को यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो जो एनिमीज है वो आपको चमकते हुए नजर आएंगे और ऐसा टाइप का आप लोगों ने देखा होगा किसी हैकर की वीडियो में। हैकर को जो पीओवी होता है उसमें यही होता है कि जो हैकर है उसको एनिमी जो है चमकते हुए नजर आते हैं एंड इस कैरेक्टर की एबिलिटी यही है कि आपको जो आपके अपोनेंट है वो चमकते हुए नजर आएंगे। बट गाइस ये इस एबिलिटी का ट्रेलर है, अभी आप लोग पिक्चर देखो उसके बाद आपको ब्लॉकबस्टर पिक्चर दिखाता हूँ। तो ट्रेलर तो देख लिया, अब इस कैरेक्टर का जो पिक्चर है वो ये है कि इसकी एबिलिटी को जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे और जैसे ही किसी बंदे पे यहाँ पे फायर करोगे, किसी को गोली मारोगे, तो आपकी जो मूवमेंट स्पीड है वो भाई डबल ट्रिपल हो जाएगी, काफी फास्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो जैसे ही मैंने गोली मारा भाई जो मेरा कैरेक्टर का स्पीड है वो यहाँ पे डबल हो गया एंड ये काफी ज्यादा ही फास्ट दौड़ रहा है। तो ये था इस कैरेक्टर का पिक्चर। अब ब्लॉकबस्टर पिक्चर ये है, मतलब जो सबसे बेस्ट एबिलिटी है वो इसका ये है कि आपके क्लोज रेंज में अगर कोई एनिमी है और अगर आपने उसको यहाँ पे गोली मारा और फिर आप यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में जाओ, वो जो एनिमी है वो लिटरली आपको दीवार के आर पार दिखेगा। लिटरली भाई ये चीज कैसे हो रही है, बट आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने बंदे को गोली मारा और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जो मेरा एनिमी है वो मेरे को लिटरली यहाँ पे आर पार दिख रहा है। वो यहाँ पे दीवार के कंटेनर के पीछे बैठा हुआ है, खड़ा है, लेकिन वो मेरे को आर पर नजर आ रहा है। उसकी जो लोकेशन है वो मतलब क्या मूवमेंट कर रहा है, मेडी मार रहा है, हिल कर रहा है, हर एक चीज मैं आर पार देख सकता हूँ। अब भाई ये गेम में कैरेक्टर आ गया तो भाई ये फेयर रहे कि अनफेयर मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर है ये फेयर है अनफेयर कमेंट में जरूर बता देना। बाकी चलिए यही थी आज की वीडियो और हाँ, ऐसे अपडेट्स वाली वीडियोस और भी बेस्ट वीडियोस आने वाली है। ऐसे बहुत सारी यूनिक अपडेट्स का पिटारा है जो मैंने अभी खोला नहीं, आने वाले दिनों में खोलूंगा, तो इसके लिए रेडी रहना। बाकी यही थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इन सभी अपडेट्स में सबको सबसे बेस्ट अपडेट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बता देना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।